करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और मैं बना रही हूँ आज खीर। ये देखिए खीर मैंने गैस पे चढ़ा दी है। ये देखिए खीर मेरी बन गई है और उधर मैंने कुकर में सब्जी रख दी है और आटा भी मेरा लग गया है। और अभी नियाल और उसके पापा सोए हुए हैं और आदि पढ़ाई कर रहा है क्योंकि आज आदि का एग्जाम है। और ये मैंने कुछ मखाने लिए हैं तो इन्हें मैंने घी में फ्राई कर लिया है और मैं इन्हें भी इसमें डाल दूँगी खीर में। ऐसे ही इन्हें मैं तोड़ के नहीं डालूँगी, इस तरह ही डाल दूँगी। ये देखिए मैंने डाल दिए हैं इसमें और खीर मेरी लगभग बन गई है। बस थोड़ी देर और इसे पकाऊँगी और फिर उतार दूँगी। ये देखिए खदका लग गया है खीर में और सब्जी भी मेरी बनकर रेडी होने ही वाली है। और उसके बाद मुझे बनानी है रोटी क्योंकि आज सुबह ही पूजा है तो इसलिए मैंने सुबह ही सारा खाना बना लिया है। ये देखिए और आदि मेरा पढ़ाई कर रहा है, वो तैयार हो गया है। खाना हमारा बनके तैयार हो गया है और गाय माता के लिए मैंने निकाल दिया है खाना इधर। और ये मैंने आदि के लिए भी खीर घाल दी है क्योंकि आदि को जाना है आज स्कूल पेपर देने के लिए, तो इसलिए मैंने सुबह ही सारा काम खत्म कर दिया है। बाकी खाने का काम तो सभी खत्म हो गया है और अब गाय को खाना दे के आना है और उसके बाद ही आदि को दूंगी क्योंकि आदि फिर खा के स्कूल जाएगा पेपर देने के लिए। तो चलिए हम पहले गाय माता को देखे आते हैं। ये देखिए आदि नाश्ता करने लग गया है खीर के साथ, खीर का आनंद ले रहा है आज ही सुबह सुबह। और निहाल भी उठ गया है और वो देखिए वो कपड़ों की तय कर रहा है। ये देखिए मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आज वो सारे कपड़ों की तय कर देगा क्योंकि आज वो स्कूल तो जाएगा नहीं, घर पर ही काम करेगा रह के। और आदि नाश्ता करने में लगा पड़ा है और आज हमारे यहाँ का मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा, क्योंकि आज पूरी रात से ही यहाँ बारिश पड़ रही थी और अभी भी थोड़ा मौसम ऐसा ही हो रहा है बारिश का। देखते हैं पड़ेगी या नहीं, लेकिन रात में तो बहुत ही अच्छी बारिश पड़ी है यहाँ पे आज, तो मौसम अच्छा हो गया है क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए बारिश से मौसम अच्छा हो गया है। देखिए गाइस आज हमारे यहाँ फिर से बारिश पड़ना शुरू हो गई है। ये देखिए बारिश पड़ रही है फिर से और आदि अभी स्कूल से आया नहीं है और निहाल हमारे पास किचन में ही बैठा है। चट्टू है, खाने की चीज़ें ढूंढता रहता है इधर उधर, लेकिन इसे आज कुछ मिलेगा नहीं किचन में। और आज कपड़े वगैरह मैंने कुछ नहीं धोए हैं क्योंकि आज बारिश पड़ रही है और वैसे भी मैंने 2-3 दिन से कपड़े नहीं धोए थे। आज मुझे कपड़े धोने थे लेकिन बारिश की वजह से मैं मशीन नहीं लगा पाई क्योंकि सारे में ही बारिश पड़ रही है। और अब मैं किचन में बना रही हूँ सब्जी करेले की। ये देखिए करेले मैंने काट के रख दिए हैं और ये है करेले का मसाला और ये मैंने कुछ प्याज काट दिए हैं और निहाल देख रहा है क्या क्या काटा है। और इधर दूध धर दिया है गर्म करने के लिए और ये कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, टूटी फूटी जैसी भी है मेरे लिए ठीक है। और अब मैं करेला बनाऊंगी, तब तक आदि स्कूल से आएगा तब तक मैं बना दूंगी। नहीं आदि तो जल्दी आ जाएगा, मुझे टाइम लग जाएगा बनाने में। और कपड़े मैंने धोए नहीं हैं और करेले भी मुझे आज धूप में सुखा के तब बनाने थे लेकिन आज तो धूप निकली नहीं है तो इसलिए मैंने इन्हें ऐसे ही धो के अच्छे से निचोड़ दिया है, तो मैं इन्हें ऐसे ही बनाऊँगी। और बारिश में और कुछ तो होता नहीं है, बस खाओ और सो जाओ, और काम तो है नहीं। अभी सुबह का खाया, अब दोपहर का आगे बनाने, फिर दोपहर का खाकर फिर सो जाएंगे, है ना यार। खाना ही खाना हुआ पूरा दिन, करना तो कुछ है नहीं। तो चलिए हम अपने करेले बना लेते हैं और आपको दिखाते हैं अपने यहाँ का मौसम। बारिश ज़्यादा तेज नहीं है, बहुत हल्की सी बारिश पड़ रही है, तो देख लीजिए आप लोग भी कि हमारे यहाँ कैसी बारिश पड़ रही है। सब्जी
सब्जी हमारी बन करके तैयार है और रोटियां भी सेक ली है हमने। तो अब हम खाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हम खाना लेके आ गए हैं कमरे के अंदर और आधी लेटा पड़ा है, वैसे तो भूख लग रही है, वैसे लेट रहा, चल बैठ जा। और ये करेले की सब्जी है और ये दाल है और ये है रोटी। तो आइए आदि के साथ खाने का एंजॉय लीजिए। कैसे खाएगा, दाल से या करेले से? दाल से। करेले से खाइए ना, क्या है ना, करेले बनाते नहीं हो? मैं खाऊंगा नहीं, लगते क्यों नहीं खाएगा? खाएगा और तो कैसे खाएगा? करेले से खाएगा। और आदि के पापा कैसे खाएंगे? ये तो कैसे भी खा लेंगे, इनकी कोई पसंद नहीं है। और आज बस खाना 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 और कुछ काम तो है नहीं है, मैं सुबह से खाने पे लगे पड़े हूँ क्योंकि आज बारिश पड़ रही है और अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है। कुछ काम और आदि भी देखिए स्कूल से भीग कर आया है, गीला हो रहा है, इसके बाल अभी भी गीले हो रहे हैं। और अब हम खाते हैं खाना और इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि आज कुछ और काम कर रहे हैं। खाना खाना हो रहा है बस चाहिए तो आप। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।